सर्जरी के बाद आराम कर रहे राज ठाकरे ने अपनी कमर कस ली है और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में अब मनसे को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मुंबई के कालाचौकी इलाके में शिवसेना की एक शाखा का उद्घाटन करने के लिए उद्धव ठाकरे रविवार को पहुंचे। इससे पहले राज ठाकरे एक बड़ा बयान दे चुके हैं। राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है, अगर शिंदे गुट के साथ नौबत आती है कि शिवसेना पर उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाता, तो वो अपनी पार्टी का विलय शिंदे समर्थकों के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। राज ठाकरे ने बीते दिनों एक बड़ा फैसला सुना दिया है। मनसे चीफ राज ठाकरे ने दिल खोलकर शिंदे गुट के विधायकों का स्वागत मनसे में कर दिया है। ये कह दिया है राज ठाकरे ने कि मामला जो चुनाव आयोग गया है, सुप्रीम कोर्ट गया है, अगर शिंदे गुट ये कानूनी लड़ाई उद्धव ठाकरे के सामने हार जाते हैं, तो हम मनसे में उनका स्वागत दिल खोल कर करेंगे। राज ठाकरे के इस स्वागत के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे ने साफ साफ राज ठाकरे पर हमला बोला और कह दिया, बगावत कर शिंदे गुट में गए नेताओं के पास अब एक ही उपाय बचा है, कानून कहता है उन्हें किसी न किसी पार्टी में अपने गुट का विलय करना होगा। वो किस पार्टी में जाएंगे? उन्हें कल एक पार्टी ने ऑफर दिया, राज ठाकरे का नाम लिए बिना उनका जिक्र उद्धव ठाकरे ने किया और वहां पर हंस पड़े। सामने मौजूद शिव सैनिकों की भीड़ ने आवाज लगाई, केमिकल लोचा, केमिकल लोचा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, कितने लोगों को केमिकल लोचा हुआ है ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, राज ठाकरे शिंदे गुट के विधायकों को मनसे में मिलाने की रणनीति बना रहे हैं और यहां उद्धव ठाकरे उनकी रणनीति पर तंज कस रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।